हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो अभी आरजेएस को सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अब इन 2 दिनों में क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। हम ये चीज़ यहाँ पे शेयर करते हैं क्योंकि हम जो है इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके आते हैं, या तो जिन्होंने भी ये एग्ज़ाम दी होती है उनसे बातचीत करते हैं कि कहाँ पर जो है उनसे गलती हुई है और कहाँ पर जो गलती उनसे होने वाली थी वहाँ पर उन्होंने सुधार किया है। कुछ चीज़ें हैं जो बतानी ज़रूरी हो जाती है, कुछ चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में हमें सुननी ज़रूरी हो जाती है। तो क्या है वो सारी चीज़ें, वह भी मैं आपको बताऊंगी। साथ ही जो एग्ज़ाम के इंस्ट्रक्शंस है, रूल्स रेगुलेशंस है, ड्रेस कोड है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में जानना। तो आप जो है जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, कुछ इन्हीं इंस्ट्रक्शंस में आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में आपने यूपीएससी प्रीलिम्स का एक जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर एक वीडियो जो है वायरल हो रहा था। वहाँ पर ऐसा दिखाया जा रहा था कि जो एक कैंडिडेट है उनको आने में लेट हो गई है। एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी होती है, कोचिंग उन्होंने साल भर करी होती है, पूरी सब कुछ सेट रहता है, लेकिन उनको आने में देरी होती है और उस देरी की वजह से एग्ज़ाम उनको नहीं देने दिया जाता है जो अथॉरिटी है उसके द्वारा। अब यहाँ पर उनके पेरेंट्स को काफ़ी पैनिक स्थिति में दिखाया था, काफ़ी दिक्कत हुई थी। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, यही कि जो इंस्ट्रक्शंस है उनको हमें न सिर्फ फॉलो करना है बल्कि यहाँ इस किस तरह से फॉलो करना है कि आपको ये देखनी है कि आपका नंबर कहाँ है, आपका सेंटर कहाँ है, आपके जो ट्रांसपोर्ट का जो जरिया है वो कैसा है, आपकी जिस जगह पर आपने स्टे ले रहे हो उस स्टे से आपके सेंटर का रास्ता सच में 45 मिनट तो पहले पहुंचना ही है, लेकिन उससे जो आपका वे है वो कितना है। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर दिक्कत होती है तो यहाँ पर आपको कोई भी नहीं सुनने वाला है, क्योंकि रूल्स जो है वो बन चुके हैं, इंस्ट्रक्शंस जो है वह पब्लिश हो चुके हैं, सर्कुलर हो चुके हैं। तो अभी इन्हीं सब में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताऊंगी कि क्या क्या और ज़्यादा ज़रूरी वाली चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट अटैम्प्ट इज द बेस्ट अटैम्प्ट। वो लोग जिन्होंने कि साल दो साल तैयारी करी है, न कि ये चीज़ की नोटिफिकेशन कब आएगा, वैकेंसी कब आएगी, कितनी आएगी, ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो खाली सिक्योरिटी देती है कि हाँ आपकी पोस्ट है वो आ चुकी है। लेकिन एक बार को वैकेंसी आने के बाद आपको समय नहीं मिलता है और ये चीज़ का अनुभव आप कर चुके हैं। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है उसके बाद में आपको डेट पता चलती है आपकी प्रीलिम्स की, और जैसे ही अभी आपका प्रीलिम्स हो जाएगा उसके 2 से 3 महीने के अंदर ही मेनली आरजेएस जो है अभी के हिसाब से आपकी मेंस एग्जामिनेशन के डेट भी डिक्लेयर कर देगी। तो इतने से समय में तैयारी होना ये नामुमकिन है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट इज द बेस्ट अटैम्प्ट उन लोगों का है जो बहुत अच्छी तैयारी करके आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और यह भी है कि फर्स्ट अटैम्प्ट सिर्फ उनका नहीं है जिन्होंने पहली बार आरजेएस दे रहे हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट का यहाँ पर हम मीनिंग ऐसा निकालेंगे कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं हूँ, मैंने ये एग्ज़ाम लास्ट 3 बार से मैं दे रही हूँ, लेकिन सच बोले तो 3 बार से मैं सिर्फ ये एग्ज़ाम दे रही हूँ। मैंने इसी बार इस एग्ज़ाम के लिए खुद को तैयार किया है, मजबूत किया है, मैंने कोचिंग करी है, मैंने पूरा एफर्ट लगाया है और मैं पूरी श्योर हूँ, मैं पूरी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं हर एक चीज़ को अटैम्प्ट करूँगी, सही अटैम्प्ट करूँगी, पूरी सावधानी से अटैम्प्ट करूँगी, क्योंकि मेरे मन में मेरे लिए यह है मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। आपको भी इसी तरह से आपके इस एग्जामिनेशन को अटैम्प्ट करना है। यह नहीं सोचना है कि मैंने इतनी बार इस एग्ज़ाम को दे दिया है, अब नहीं हो सकता, ये आगे नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें आपको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना है आपको अपने एग्जामिनेशंस पर। इस वक्त आपको बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इफेक्ट करेगी, लेकिन आपको आपके जो माइंड सेट है उसको फिक्स करना है। किसी को भी ये राइट नहीं देना है कि आपके माइंड सेट को वो इन्फ्लुएंस करे। यस, जितना हुआ है जैसा हुआ है वो आपने किया है, वो आप कर चुके हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिस भी क्वेश्चन को लगाया है ना आपने, टिक किया है, सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चन को देखिए। रिवीजन का समय नहीं है, कुछ नए पढ़ने का समय तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई बोल रहा है कि ये जो चीज़ है वो आई है और ये आएगी, तो आपको सिर्फ सुन लेना है, कोशिश तो करो कि सुनना ही नहीं है,
बाकी आपको वो चीजें जो है उनको अवॉइड करनी है, क्योंकि एकदम टाइम पर कुछ भी आपको लर्न होने वाला है नहीं। इससे आपका जो माइंड सेट है वह बहुत खराब हो जाएगा। तो जो है जैसा है आपने किया है, आपने बहुत अच्छा किया है, आपने अपनी तैयारी जो है ना बहुत बढ़िया करी है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। राजस्थान ज्वेलरी है, यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशंस के भी क्वेश्चन आएंगे, माइनर एक्ट के क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट बैरेक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो डायरेक्ट भी आते हैं, केस लॉज भी आते हैं, लेकिन केस लॉज कौन से आएंगे, पुराने आएंगे, नए आएंगे, अपडेट आएंगे, लेटेस्ट आएंगे, कुछ भी आइडिया रहता है नहीं। तो अगर आपने केस लॉज पहले पढ़ चुके हो तो ठीक है, अब किसी भी केस लॉज में आपको जाना है नहीं, तो ये ध्यान आपको रखना है। हिंदी और इंग्लिश है, जैसे आपने, क्योंकि दोनों ही प्रैक्टिकल चीज़ें होती है, थ्योरेटिकल नहीं होती है। तो अगर आप सोच रहे कि मैं थ्योरेटिकली इस चीज़ को कर लूँगा या कर लूँगी, तो ये आप गलत सोच रहे हो। जैसे आपने लैंग्वेज की तैयारी करी है, आपको उसका फल ज़रूर मिलने वाला है। हिंदी की मात्राओं का भी आपको ध्यान रखना है, और इंग्लिश का जो है वो तो पूरा ग्रामेटिकल चीज़ें होती ही है। तो ये सारी चीज़ें भी जितना आपसे हो चुकी है, आपने बहुत अच्छा किया है। बस अटेम्प्ट करते वक्त आपको ये देखना है कि अगर थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो एक बार उस चीज़ को स्किप कर देना, छोड़ देना, अगर आपके पास समय है तो वापस से राउंड लगा के आपको आना है और उस चीज़ को अटेम्प्ट करना है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि आरजेएस जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं देती है प्रीलिम्स में, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। जुडिशरी के क्वेश्चन की सबसे ब्यूटी होती है ये कि आप जुडिशरी क्वेश्चन को एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, तीन बार पढ़ोगे, तो आपको ही जब दो या तीसरी बार आप जब पढ़ते हो ना, तब आपको उसका एक्चुअल में मीनिंग समझ में आता है कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपकी जो लिसनिंग पावर है ना यहाँ पे, ये भी बहुत काम आने वाली है। कुछ भी एक शब्द छूटा, इससे आपके आंसर में फर्क आ जाएगा। बिल्कुल जल्दबाजी मत करना OMR सीट को भरने की, आराम से अपने क्वेश्चन को पढ़ना है। OMR सीट से रिलेटेड काफ़ी सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने मेरे लास्ट वीडियो में यहाँ पे शेयर करी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। एक जो चीज़ है, जो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है उसके बाद अटेम्प्ट करने की आती है, वहाँ पर देखना होता है, क्योंकि जल्दीबाजी रहती है। मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है, मेरे कुछ 5 से 6 क्वेश्चन थे किसी एक एग्ज़ाम में, जहाँ पर कि मैंने 32 मेरे को क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही थी, वहाँ पे मैंने 33 पे मार्क कर दिया उसका राइट आंसर, फिर 34, 35, 30 ऐसे करके मेरे 5 से 6 जो क्वेश्चन थे वो स्टेप बाय स्टेप मैं करती गई, लेकिन वो चीज़ें गलत हो गई, क्योंकि मैंने जो है जल्दीबाजी में एक मार्क जो उसका गोला होता है, सर्कल होता है, उसको भरने के लिए मैंने बाकी के नीचे के बाकी के 5 या 6 गोले भी सही क्वेश्चन होते हुए भी मेरे जो है मैंने गलत भर दिए। और ये एक रूल होता है कि आप OMR को बाद में ना काट सकते हैं ना उसको पेस्ट कर सकते हैं, जैसा आपने कर दिया वैसा ही करोगे। तो जो क्वेश्चंस है अगर सही आंसर आ रहे हैं तो दो बार मिलान करें, कि अगर आप 7th क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 7th क्वेश्चन के ही आप सर्कल को मार्क कर रहे हैं, ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। तो जैसा कि मैंने बताया कि टाइमिंग का तो आपको ध्यान रखना ही है, साथ ही आपको अपने सेंटर का भी देखना है। आपका सेंटर, अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो आपका सेंटर कहाँ पर है, कौन सी जगह पर है, कहीं अगर इंडस्ट्रियल एरिया में अगर आपका नंबर आया है तो आप जो है आपने अपने रहने की व्यवस्था कहाँ करी है और सेंटर तक आप कैसे जाओगे। 45 मिनट्स ऑलरेडी आपको पहले पहुंचना है, तो आपको जो है सेंटर, सेंट्रल लोकेशन, ये सब ध्यान में रखना है। कोशिश करना है कि आप जो है इसके बारे में पूरी तरह से अवेयर हो, क्योंकि हम जो है एग्जाम की तैयारी करते हैं, सिलेबस हम अच्छे से करते हैं, सारे एक्ट्स हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस है वहाँ पे आके दिक्कत हो जाती है। ड्रेस कोड की बात कर लेते हैं, तो ड्रेस कोड पर वीडियो बनाया हुआ है। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने एक मैसेज किया है जहां पर कि आप इजीली देख पाओगे कि आपको क्या वेयर करना है, क्या वेयर नहीं करना है। मेनली आपको जीन्स होता है या जो टी शर्ट्स होते हैं, इनके लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि जो जिप होती है या एक्स्ट्रा पॉकेट्स होते हैं वहां पर इश्यूज आता है। जिप जो होती है वो एक गैजेट के जैसे काम यूज में हो सकती है, इसलिए भी मना किया जाता है। इसलिए आपको ट्राउजर दिया जाता है, शूज आपके रेस्ट्रिक्ट किए जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बेल्ट है, गैजेट्स है, रिंग्स है, इयर रिंग्स है, नोज पिन है आपको, लेकिन वो रहता है ना कि जैसे लोकर की फैसिलिटी है तो लोकर की फैसिलिटी नहीं होती है, लोकर एक अलग चीज होती है। हाँ, अगर आपके पास कोई सामान है, आपके बुक्स है, किताबें हैं या तो आपकी चीजें हैं, तो वहां पर आपको एक सेफ्टी वहां पे मिल सकती है कि आपको वहां पे रखने के लिए दे दिया जाएगा।
लास्ट जब ये एग्जाम हुआ तब ये फैसिलिटी थी। बाकी सेंटर में कैसा होता है कैसा नहीं होता है ये सेंटर पे डिपेंड करेगा, मेनली ये होता ही है। लेकिन लॉकर नहीं रहेगा इसलिए अपने एक्सपेंसिव जो चीजें हैं, अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है या एक्सपेंसिव चीजें अगर आप पहन के आ रहे हैं तो प्लीज आप उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर लायबिलिटी कोई भी नहीं लेने वाला है। तो लास्ट के 2 दिन बचे हैं बस, और आपने जो है आपकी मंजिल के बहुत बहुत करीब है। प्रीलिम्स आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है और इसकी अच्छे से तैयारी आपने करी, और अच्छे से आप जो है इसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे पढ़ेंगे, अच्छे से आप जो है OMR को चेक करके सावधानी से आप उसको भरने वाले हो। सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो जो भी मंगवाए हैं आप एक बार रीचेक करोगे कि आपके पास वो सारी चीजें हैं, कोई भी चीज मिसिंग नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में देना है। इंस्ट्रक्शंस जितने भी है उनको पढ़ के जाना है, सुन के जाना है और अपने साथ वो चीज कैरी करनी है। आपको आपकी एग्जाम बिल्कुल शांत तरीके से देनी है। हो सकता है आपको वहां पे ऐसे लोग मिले जो आपको जींस में मिल गए हो या तो कोई और ऐसी जो रेस्ट्रिक्टेड चीजें हैं उनमें मिल गए हो, लेकिन वहां पर सेंटर की तरफ से उनके साथ जो है थोड़ा बहुत चीजें विरोध होगा, इस तरह काफी सारी चीजें होगी, लेकिन आप वहां पे अपने आप को लकी फील करोगे क्योंकि आपने जो है एज पर इंस्ट्रक्शन अपनी चीजों को फॉलो किया है और आप जो है पूरे माइंडसेट के साथ अपनी एग्जामिनेशन को वहां पे दे रहे हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया है, और इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, सेंटर से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है जयपुर शहर में, तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे रीच में रहा तो मैं आपकी सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। टिल देन थैंक यू सो मच।